साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामना को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज है 31 मई, ठीक है, दिन है बुधवार। और आज मैं आपको अंक शास्त्र की, ज्योतिष शास्त्र की एक बहुत ही विशेष जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों कलयुग में अगर आप पैसों में खेलना चाहते हैं तो आप अपने राहु को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव जिस ग्रह का है तो वो है राहु, जो अनएक्सपेक्टेड पैसे दिलवाते हैं। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड सिर्फ दिलवाते ही हैं, अगर जिस पर बिगड़ जाए तो अनएक्सपेक्टेड ले भी लेते हैं, क्योंकि इनका काम होता है दंडित करना। शनि जो होते हैं ये न्याय के देवता हैं, ठीक है, और किस कर्म का कितना रिजल्ट देना है, कितने समय तक देना है, ये प्रभाव रहता है राहु का। राहु प्रधान व्यक्ति दोस्तों हमेशा पैसों में खेलता है। मैंने काफी वीडियो बनाए हुए हैं राहु के, और आज दिन बुधवार है और 3+1 यानी कि 4 अंक जो होता है राहु का होता है। आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटी बता रहा हूं, अगर आप ये यूज करना शुरू करते हैं, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं इसको, तो पैसों से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आपकी जिंदगी में आपको हर कदम पे, जिस भी कार्य, जिस भी क्षेत्र में आप मतलब कि काम कर रहे हैं, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। कुछ मैं टिप्स भी आपको दे रहा हूं। आपके घर का जो नैगृत्य कोणा होता है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम में जो आपका एंगल बनता है आपके यहाँ, जिसे नैगृत्य कोण कहा जाता है, ये राहु की दिशा होती है, माँ लक्ष्मी की दिशा होती है, धन संचय की दिशा होती है। मैंने ये काफी जानकारी मैं वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको फिर से जानकारी दे दूं कि आप हर बुधवार के दिन में गाय के गोबर का जो किंडा होता है, उपला होता है, यहां पर इस कोने में आप हर बुधवार के दिन में हो सके तो सूरज ढलने के बाद, क्योंकि जब सूरज ढल जाता है तब राहु केतु और शनि ये ग्रह प्रभावशाली होते हैं, इनका उदय होता है, और इस समय यदि इनका कोई प्रयोग किया जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपको गाय के गोबर का किंडा लेना है और इसको ऐसे जलाना है कि इसका धुआं हो, क्योंकि राहु केतु ग्रह जो है ये छाया ग्रह है, इनका वास जो होता है धुएं में होता है। तो इस गाय के गोबर का किंडा जो होगा, इसका आपको यहां पर ऐसे जलाएं कि धीरे धीरे उसमें धुआं निकले। 4 चुटकी आप अजवाइन ले लें, ठीक है, 1 चुटकी आप उठाएं, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, 4 बार मंत्र पढ़ें और उसमें आग में कंडे में आप डाल दीजिए। ऐसा आपको 4 चुटकी अजवाइन 4 बार मंत्र पढ़ के आपको और डालना है, और जब उसका धुआं निकलने लगे तो उसी धुएं में आपको 4 बार 4 की संख्या में, यानी कि ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ये मंत्र बोलेंगे, फिर से 4 बार बोलेंगे, फिर से 4 बार बोलेंगे, फिर से 4 बार बोलेंगे। अगर ये बुधवार के दिन में, शनिवार के दिन में और रविवार के दिन में आप ये प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके राहु आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदान करेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 4 चुटकी अजवाइन को इसी मंत्र के द्वारा ओम रांग राहवे नमः अभिमंत्रित करके आप नीले कपड़े में या फिर नीले कागज में अपने पर्स में हमेशा रखें, राहु की कैसी भी दशा होगी आपके ऊपर सताएगी नहीं आपको। एक नंबर मैं बता रहा हूं, ये नंबर आप लिखिए बुधवार के दिन में, आज के दिन तो इस प्रयोग को आप जरूर करें, क्योंकि आज का दिन जो है 31 है और 3+1 यानी कि 4, यहां पर 3 जो है ये आपके गुरु हो जाएंगे, आपके जुपिटर, 1 हो गया आपके सूर्य और साथ में आपके राहु, ये तीनों ग्रह आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, है ना, आपकी एक जानकारी से कितने लोगों को भला हो सकता है। और जैसे कि मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जब आप लोग मेरी दी हुई जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका पुण्य लाभ मुझे प्राप्त होगा। वैसे आप लोग जितने लोगों को इस जानकारी को शेयर करेंगे और आपकी दी हुई इस जानकारी से जितने लोग इस रेमेडी को करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फल आपको बिना कुछ के ही प्राप्त होने लगेगा, तो शेयर जरूर करें।
दोस्तों आपको करना क्या है, आपके घर की जो नैगेत्र कोणा है, जैसा कि मैंने बताया कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो एंगल बन रहा है आपका, आपके घर का, ठीक है, तो आप ब्लू कलर की इंक से एक कोरा कागज ले लें, ठीक है, वहीं पर बैठ करके अगर नीला आसन लगा सकते हैं और नीला कपड़ा सिर में रख लें और बैठ करके एक कागज में ब्लू कलर की इंक से आप चार बार लिखिए चार चार चार, और इस कागज को सीधे हाथ में पकड़ करके अभिमंत्रित करिए, ओम रंग राह वे नमः चार बार पढ़ेंगे, फिर ओम रंग राह वे नमः चार बार पढ़ेंगे, फिर से ओम रंग राह वे नमः चार बार पढ़ेंगे, और फिर से ओम रंग राह वे नमः चार बार पढ़ेंगे, इससे अभिमंत्रित हो जाएगा। इस चीट को आप अपने नैगृत्य कोण में चिपका दीजिए, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, हर बुधवार के दिन में, हर शनिवार के दिन में और हर रविवार के दिन में काले तिल का जो तेल का तेल होता है इसका दिया यहां पर जलाएं, ठीक है, और यही मंत्र को आप चार बार पढ़ दें, और हर बुधवार के दिन में अजवाइन का धुआं यहां पर जरूर करें। आप देखेंगे दोस्तों कुछ ही दिन करके देखिए, तीन से चार बुधवार आप करिए, या तीन से चार शनिवार आप करिए, या फिर तीन से चार रविवार आप करिए, अनएक्सपेक्टेड पैसा आएगा, जिंदगी भर पैसों में खेलेंगे। इसके अलावा आपके हाथ जो होता है यहां पर, ठीक है, ब्लू कलर की इंक से हर रविवार, रविवार के दिन में, बुधवार के दिन में और शनिवार के दिन में चार नंबर यहां पर लिखी है। आप चाहे तो चार को चार बार भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो सिर्फ एक बार भी लिख सकते हैं, लेकिन चार बार लिखेंगे तो इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा, है ना। और एक छोटी सी जानकारी और दे रहा हूं दोस्तों, राहु को मजबूत करने के लिए आप किसी भी मोची को देख लें, है ना, मोची जो जूते वगैरह सिलता है, बुधवार के दिन में आप दो कलर के आपके जूते हों या चप्पल हो, एक ही जोड़ी होनी चाहिए लेकिन वो दो कलर में होनी चाहिए, या तो वो काला सफेद भी हो सकता है या फिर लाल पीला, मतलब कि दो रंग होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, आपके पुराने घिसे पिटे जूते हों, और थोड़ा सा ऐसा उसमें काम निकाल दीजिए कि उसको सिलने की मोची की उसके पास में जरूरत पड़े, है ना। तो जो फुटपाथ पे जो मोची वगैरह बैठते हैं उसको आप क्या करें, ये जूते अपने जो पुराने जूते होंगे दो रंग के लेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि राहु केतु आपके दोनों बैलेंस होंगे, तो इन दो जूतों को आपको क्या करना है, जो आपके मोची होगा कहीं भी मोची के पास में जाए, ऐसे मोची के पास में जाए जहां पर आपको दोबारा ना जाना पड़े, तो उसके पास में उसको बोल दें कि इसमें एक काम है, थोड़ा सा सिल दो इसको, इसको कंप्लीट कर दो, और कुछ पैसे वगैरह जो भी वो मांग रहा है उसका, उसका पैसा आप तुरंत दे दें, और उसके बाद में उसके पास वापस जाए ही ना, उसको आपको वहीं पर छोड़ देना है, मोची के पास में आपको छोड़ करके और घर आ जाना है, उस जूते को फिर लेने नहीं जाना है आपको। ये क्रिया आपको सिर्फ एक बार कर लीजिए, उसके बाद में देखिए कितना चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। दोस्तों राहु को मजबूत करने के लिए आप कुछ कंबल, दो कलर के कंबल जो होते हैं, ये भी आप मोची को, या फिर जो गरीब होते हैं फुटपाथ पे बैठे हुए होते हैं, खुले आसमान में रहते हैं, इनको दान कर दीजिए, आपके राहु मजबूत हो जाएंगे। राहु जो है दोस्तों, राहु प्रधान व्यक्ति कभी भी पैसों की या आर्थिक तंगी का सामना नहीं करता है, अचानक अचानक से उसकी जिंदगी में सफलताएं आती हैं, वो सोच भी नहीं सकते इंसान कि उसको अचानक से कहां सफलता मिल गई, एक दिन में ऐसा कौन सा बड़ा काम करवा देंगे कि आपके आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। लेकिन यहीं पर राहु यदि जिसके बिगड़ जाते हैं तो उसके घर में हमेशा शांति, ग्रह कलेश, बीमारी, शत्रु और ऐसे व्यक्ति हमेशा नशेड़ी रहते हैं, जुआड़ी रहेंगे, गलत संगतियां पड़ेंगे। तो राहु को मजबूत करने के सरल सस्ता कोई उपाय आपको नहीं मिलेगा। ये छोटा सा उपाय करके देखिए दोस्तों, आज के दिन में, आज का दिन जो है सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आज के बाद यदि आपको कभी ये वीडियो मिलता है तो आप बुधवार, शनिवार, रविवार के दिन में इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन आज का दिन जो है 31st है, और 3+1 को यदि हम योग बनाते हैं तो ये 4 बनता है, यानी कि राहु और दिन बुधवार है, इसलिए आज का दिन जो है बहुत पावरफुल है। तो इस प्रयोग को करिए दोस्तों पूरे विश्वास के साथ में, और जो भी आपके अनुभव हो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।